नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में पाठ नंबर 3 देखेंगे, जिसका शीर्षक दिया गया है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को और उनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी। उनके हिंदी साहित्य के अंदर प्रदान की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, आलोचनात्मक लेख लिखे हैं। कई बार इतिहासकार के रूप में वो हिंदी साहित्य के अंदर आगे आए हैं। उनकी मूल रचनाओं यानी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि उनके निबंध संग्रह हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नाम की उन्होंने एक आलोचनात्मक किताब लिखी है, जो हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ किताबों में से गिनी जाती है। हजारी प्रसाद जी को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे ही हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ ऐसे रचनाकार के द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए पाठ की आज हम चर्चा करेंगे। इस पाठ के अंदर द्विवेदी जी लिखते हैं कि प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी कहते हैं कि तत्कालीन यानी कि उस समय की भारतीय समाज में व्यापक अनाचरण केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। इन सारी बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर हम सामान्य रूप से इस पाठ को समझना चाहें या इस पाठ के सार की बात करें तो इस पाठ में लेखक कहना चाहते हैं कि समाज में हम भ्रष्टाचार देखते हैं, दगाबाजी देखते हैं, फिर हम सोचते हैं कि समाज पूरा ऐसे लोगों से ही बन गया है। लेकिन यहाँ पर द्विवेदी जी इतने आशावादी हैं कि हमें वो समझाने की कोशिश करते हैं कि समाज में ऐसे सिर्फ खराब लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज के अंदर कई सारे ऐसे श्रेष्ठ लोग बचे हैं जो गांधी जी के समय के भारत को या फिर गांधी जी के समय के भारत के सपने को साकार करने के लिए तैयार हैं। तो आइए पाठ में देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने किस नज़रिए से हमें परिचित करवाना चाहते हैं। पाठ की शुरुआत करें। लेखक लिखते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना। ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जिस भी व्यक्ति को हम देखें तो हमें लगता है कि ये बुरा है, इसने कोई खराब कार्य किया है या फिर इसकी सोच खराब है, ऐसा हमें लगता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो व्यक्ति नेता है, ऊंची पोस्ट पर है, उसके अंदर उतने ही ज़्यादा दोष होते हैं, ऐसा समाज में दिखाया जाता है। लेकिन लेखक कहना चाहते हैं कि हकीकत ये नहीं है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने की कोशिश करेंगे। कई बार ये होता है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके अंदर अच्छी बातें न देखकर लोग हमेशा उसके अंदर क्या खराब बात है, क्या कमी रह गई, यही बात हमें बार बार बताने की कोशिश करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर एक आदमी का जो नज़रिया था उसकी बात करते हुए कहते हैं कि ज़्यादातर जो लोग काम नहीं करते भी अच्छे हैं, क्योंकि हम काम करेंगे तो हमारे अवगुण ही देखे जाएंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएं और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहेगा। यानी कि कई बार हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी गलतियां ही दिखाई जाती हैं, हमारे जो अच्छी बातें हैं उसे नज़रअंदाज किया जाता है। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी रही तो निश्चित ही चिंता का विषय है। यानी कि हमारा जो नज़रिया बन गया है कि हम सभी में अवगुण खोजते हैं, अगर यही नज़रिया रहा तो हमारे लिए खतरा खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो नेगेटिव बन जाएंगे।
क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहर में डूब गया? यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि जिसका सपना रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा था, मदन मोहन मालवीय ने देखा था, वो श्रेष्ठ भारत का सपना क्या कहीं डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महा मानव समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी लेखक कहते हैं जो हमारे विचारक थे, श्रेष्ठ मनुष्य जो भारतवर्ष के अंदर हो गए, जिन्होंने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था, उनका सपना कभी चूर चूर होगा नहीं। लेखक कहते हैं यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका यानी अपनी रोजी रोटी, अपना जीवन जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी जो भोले भाले लोग हैं वही पिस रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है। और झूठ तथा फरेब यानी धोखा, फरेब का रोजगार करने वाले फूल फल रहे हैं। यानी कि जो गलत काम कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ माहौल लग रहा है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। यानी कि जो गरीब है, बेबस है, वही जैसे सच्चाई के रास्ते पर चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिल गई है। यानी कि सच्चाई है, ईमानदारी है, ऐसे जो श्रेष्ठ मूल्य हैं उसके बारे में लोग अब डर रहे हैं कि समाज में ऐसे मूल्य क्या बचे ही नहीं। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। यानी कि हमारी जो आज की परंपरा है उसमें जो कुछ कमियां हैं उसके कारण ऐसा माहौल बना है। सदा मनुष्य बुद्धि नहीं, परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है और ठीक साबित न होने पर उन्हें बदल देती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। मेरे लिए जो अच्छा है वो आपके लिए शायद अच्छा न हो, ऐसा हो सकता है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी तह आंदोलित होती है। पहले भी हुई है, आगे भी होगी, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यानी ऊपर से एक लोगों के अंदर जो बुराइयां देख रहे हैं उन्हें देखकर हम दुखी हो जाएं, निराश हो जाएं, ऐसा हमें नहीं करना है। लेखक हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुएं यानी गाड़ी, बंगला, जो इलेक्ट्रिक वस्तुएं हैं उनको ज़्यादातर मूल्य नहीं दिया है, उसे महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठे हैं वही चरम और परम है। यानी कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। यानी कि सभी के अंदर थोड़ी सी मात्रा में ये चार बातें होती हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। यानी कि ऐसी खराब बातें ही मनुष्य में होती हैं, ऐसा सोचकर बैठ जाना गलत बात है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुनाह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर शब्द दिया है गुमराह, यानी कि जो गलत रास्ते पर भटक गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी सही रास्ता हमें ही खोजना होगा। जो भूखा है उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो बीमार है उसके लिए भी दवाई ज़रूरी है। तो कई बार जो लोग गलत रास्ता अपनाते हैं
वो अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी बीमारी या अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। लेखक कहते हैं, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और व्यवस्था की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। यानी कि कोटि कोटि हजारों करोड़ों जो भारतीय हैं, जो गरीब हैं, दरिद्र जन यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनकी अवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। यानी कि जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो हर बार इन लोगों की मदद करें, इनको सही रास्ता दिखाएं, ऐसा होता नहीं है। प्रायः वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी अपना घर भरना, अपनी जेब भरना, ऐसे जो ऑफिसर्स हैं कई बार ऐसा कार्य में लग जाते हैं। पर भारत सरकार हमारे लिए ऐसे कई सारे नियम और कई सारी योजनाएं बना ही चुकी है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। यानी हर एक व्यक्ति के मन में अच्छे आदर्श हों, अच्छे गुण हों, उसके दिमाग में, उसके जीवन में, ये सारी बातें हमेशा पॉसिबल नहीं होती। जितने बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतने ही मात्रा में लोभ, मोह और विकास भी विस्तृत होते गए, लक्ष्य की बात भुला दी गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दत्यानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। यानी कि इस पैराग्राफ में लेखक कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर काबू नहीं रख सकते, लोभ में, पैसे के लालच में वो गलत कार्य करते हैं और गरीबों का और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों का पैसा लूट लेते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोगों से पूरे भारत में सभी ऐसे हैं, ऐसा मान लेना गलत है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म से ऊपर के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा दिया जा सकता है, कानून को नहीं। लोग मानते हैं कि हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि भगवान कहाँ हमें देखते हैं, हम चाहे कृष्ण कितना भी गलत काम करें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन उसके सामने अगर कानून की बात की जाए तो लोग कानून से आज डरते हैं, क्योंकि कानून के खिलाफ जाने से उन्हें सजा भी हो सकती है। लेकिन धर्म के खिलाफ जाने से सजा नहीं होती, इस कारण वो धर्म के इतने पाबंदी नहीं बन रहे हैं। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग धर्म से डरते हैं तो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन कानून से वो भागते हैं, क्योंकि कानून में कई सारे ऐसे बातें होती हैं जिनसे वो छूट जाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा भावी, ईमानदार, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी सेवा करने वाले, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग आज भी भारत में मौजूद हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ऐसे लोग दिखना कम हो गए हैं, लेकिन वो भारत में से विलुप्त हो गए हैं, चले गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, अपने जीवन में, अपने आसपास, परिवार के अंदर। वो जब कभी कोई
गलत कार्य करता है तो उससे दुखी अवश्य होता है, महिलाओं को सम्मान देता है, गलत रास्ते पर चलना पाप समझता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत मानते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर हम आप देखते हैं कि ये बातें गलत बताई जाती है। ये बात कब हो सकती है, जब हम खुद इस बात को गलत माने, भ्रष्टाचार को गलत माने, चोरी को, डकैती को, किसी को डराना धमकाना ये गलत मानते हैं, इसीलिए ऐसे समाचार न्यूज़पेपर में छपे जाते हैं ताकि लोग जागरूक हों और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ऐसे लोगों को हम समाचार पत्रों के अंदर प्रकाशित करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये गलत कार्य कर रहे हैं और इसका नतीजा भी गलत हो सकता है। आगे का पाठ है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे।